हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू गीक मिस्ट्री। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ए टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द वर्नियर थ्योरी। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द वर्नियर थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन शोज टू टाइप ऑफ वैलेंसी। फर्स्ट इज द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी वैलेंसी। वट अबाउट द प्राइमरी वैलेंसी एंड वट इज द प्राइमरी वैलेंसी? ऑक्सीडेशन स्टेट टेल अबाउट द प्राइमरी वैलेंसी, मीन्स प्राइमरी वैलेंसी रिलेट टू द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकेंडरी वैलेंसी रिलेट टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। इट मीन्स वर्नियर टेल अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इन द प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेट, इन सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर रिलेट। बट द नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स फॉर एवरी एटम। इट मीन्स आपके पास में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं ये फिक्स मिलते हैं एवरी एटम के लिए। लाइक एज ऑक्टाहाइड्रल में आपको 6 मॉलिक्यूल मिलेंगे। इट मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी, जो भी आपके पास में कोई ऑक्टाहाइड्रल का मॉलिक्यूल होगा सभी के साथ में सेकेंडरी वैलेंसी आपको 6 मिलने वाले हैं। लाइक एज कोई टेट्राहाइड्रल या आपके पास में स्केयर प्लेनर मॉलिक्यूल है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इट मीन्स आपके पास में टेट्राहाइड्रल और स्केयर प्लेनर मॉलिक्यूल के साथ में वर्नियर की आपको सेकेंडरी वैलेंसी 4 मिलने वाली है। इट मीन्स आपके पास में सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है बट प्राइमरी वैलेंसी चेंज विद द मेटल आयन, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करती है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास में जो लिगेंड अटैच होते हैं मेटल के साथ में, ये नेगेटिव चार्ज अनायन या आपके पास में कोई न्यूट्रल आइटम होता है, इनकी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके पास में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इट मीन्स डेफिनेशन ऑफ द प्राइमरी वैलेंसी इज द नंबर ऑफ नेगेटिव आयन आर इक्विवेलेंट टू चेंज इन द मेटल आयन। इट मीन्स जो नेगेटिव आयन मेटल के साथ सराउंडेड हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। बट सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू द कोऑर्डिनेटेड टू मेटल आयन। इट मीन्स क्या, जो मेटल आयन के साथ में अटैच होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी होती है। इट मीन्स जितने लिगेंड मेटल के अराउंड अटैच होंगे ये आपके पास में क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी होती है। अब हमारे पास में कोई एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास में क्या है? कार्बोनाइल के साथ में 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल 6 मिले हैं, उसके साथ में कोई काउंटर आयन है Cl3। इट मीन्स Cl3 का मीनिंग आपके पास में क्या होता है? Cl के ऊपर -1 चार्ज मिलता है। अगर Cl के ऊपर -1 चार्ज मिलता है इट मीन्स 3Cl के ऊपर क्या मिलेगा आपको? 3 माइनस चार्ज मिलेगा। अब अमोनिया हमारे पास में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो यहाँ से हमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलती है? +3 मिलती है, क्योंकि हमारे पास में कॉम्प्लेक्स कौन सा है? कोबाल्ट अमोनिया की 6 है, और जो काउंटर आयन होता है क्लोरीन, इस 3 क्लोरीन एटम है इनके ऊपर क्या मिलेगा? 3 नेगेटिव मिलेगा। इसको बैलेंस करने के लिए हमने इस कंप्लीट कंपाउंड के ऊपर क्या चार्ज चाहिए होगा? पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा। अब कितना पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा यहाँ पर? अगर 3 क्लोरीन के एटम लगाए हैं इनको बैलेंस करने के लिए हमें +3 अमोनिया के ऊपर चार्ज चाहिए, सॉरी कोबाल्ट के ऊपर चार्ज चाहिए। इट मीन्स कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलती है आपको? +3 मिलती है। इट मीन्स प्राइमरी वैलेंसी आपके पास में यहाँ पे क्या होगी? 3 होगी। बट वट अबाउट द सेकेंडरी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी आपको यहाँ पर क्या मिलने वाली है? यहाँ पर कितने लिगेंड अटैच है विद सेंट्रल एटम? 6 आपके पास में अमोनिया के मॉलिक्यूल अटैच है सेंट्रल एटम के साथ में। इट मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी आपके पास में क्या होगी? यहाँ से 6 होगी। प्राइमरी वैलेंसी इज द 3 एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज द 6। अब एग्जाम्पल से चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपके पास में क्या होता है? जो एक कंप्लीट स्फीयर होता है, जो एक कॉम्प्लेक्स बनता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर कौन सा होता है? जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई भी कटायन या अनायन आपको मिलता है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। इट मीन्स कोई आयन मिलता है आपको वहाँ पे। थर्ड आपके पास में क्या है? प्राइमरी वैलेंसी क्या आपके पास में? जो भी चार्ज होता है आपके पास में, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। ये आपके पास में क्या होता है? मेटल आयन या आपके पास में अनायन होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास में 6 है, इट मीन्स आपके पास में क्या? सेकेंडरी वैलेंसी है। उसके बाद में सेंट्रल एटम आपके पास में क्या है? कोबाल्ट है। कोबाल्ट इज अ सेंट्रल एटम।
इसके बारे में वर्नर ने सिर्फ इतना सा ही बताया था कि आपके पास में एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताती है, सेकेंडरी वैलेंसी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताती है। उसके बाद वर्नियर थ्योरी ने इससे अलग आपको कोई भी पोस्टुलेट नहीं बताया है। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या मिलती है, इसकी लिमिटेशन मिलती है। वर्नियर की लिमिटेशन क्या है, दिस थ्योरी हैज़ ए वेरी लिमिटेड अप्रोच, डज नॉट टेल अबाउट एनीथिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, शेप, कलर, मैग्नेटिज्म, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया है। दिस थ्योरी डज नॉट टेल अबाउट द शेप, कलर, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिज्म, हाइब्रिडाइजेशन एंड स्टेबिलिटी। फिर इस थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए कि आपने इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया, सिर्फ ने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया। अब नेक्स्ट चीज़ों को पढ़ने के लिए हमारे पास में कौन आया, वीबीटी। वीबीटी का मतलब क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी हमें क्या मिलती है, वीबीटी मिलती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले कंप्लीट वीबीटी को। Thank you for watching. Thank you for cooperation.